नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं इन्फिनिक्स हॉट 14 5G के बारे में। इसके कुछ हाइलाइटेड फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, साथ में बताऊंगा कि यह फ़ोन कब लॉन्च होने जा रहा है एंड इंडिया में इसकी प्राइस क्या होने वाली है। एंड यह फ़ोन एक 5G फ़ोन है, अफोर्डेबल प्राइस में मिलने वाला है 5G फ़ोन। एंड यह फ़ोन आपको ऑलराउंडर एक्सपीरियंस देने वाला है, क्योंकि इस फ़ोन में काफ़ी कमाल के फीचर्स एंड स्पेक्स देखने को मिलने वाले हैं। तो क्या कमाल के स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स मिलेंगे, सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए यहाँ से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे स्मार्टफोन के डिज़ाइन से। तो कैसा होगा इस स्मार्टफोन का डिज़ाइन? तो दोस्तों इस फोन में 3 कलर आने वाले हैं, जैसे ऑरेंज, वाइट और ब्लैक। और तीनों ही कलर काफ़ी कमाल के होने वाले हैं, जिसमें ऑरेंज कलर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। एंड इस स्मार्टफोन के बॉक्स के अंदर आपको बता दूं तो यहां पर आपको कवर एक मिलेगा, 33 वॉट की एडाप्टर मिलेगा एंड टाइप सी केबल मिलेगा। बाकी ये जो स्मार्टफोन है, ये डिज़ाइन में काफ़ी कमाल का होने वाला है, फ्लैगशिप लेवल का ये स्मार्टफोन लगता है। काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन है, लेदर फिनिशिंग का डिज़ाइन है। बैक साइड में आपको ऊपर की तरफ 3 ट्रिपल लेयर का कैमरा देखने को मिलेगा, नीचे की तरफ 05G लिखा हुआ होगा। एंड इस स्मार्टफोन का लुक काफ़ी कमाल का होने वाला है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के हाइलाइटेड एंड सेलिंग पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों वो होने वाला है स्मार्टफोन का प्रोसेसर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो प्रोसेसर है यह काफ़ी कमाल का होने वाला है। एक अफोर्डेबल प्राइस में एक ऐसा प्रोसेसर मिलना बहुत ही कम देखने को मिलता है, बट इस स्मार्टफोन में मिलने वाला है। तो बात करते हैं फ़ोन के प्रोसेसर की। तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि एक 5G चिपसेट है। एंड ये जो चिपसेट है ये 6 नैनोमीटर में ये बना हुआ है, तो बहुत ही कमाल का प्रोसेसर होने वाला है। एंड कम प्राइस में आपको ऐसा प्रोसेसर मिलना काफ़ी कमाल की बात हो जाती है। एंड दोस्तों इसमें LPDDR4X का भी यूज़ किया गया है एंड UFS 2.2 का स्टोरेज भी मिलता है। तो दोस्तों आपको इस स्मार्टफोन में गेम करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, नो डाउट कोई भी लैग या फिर प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। बहुत ही कमाल का प्रोसेसर है, हाई लेवल वाली गेमिंग कर पाओगे, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा गेमिंग करने में। एंड ये स्मार्टफोन आपको कोई भी लैग या फिर हीटिंग का प्रॉब्लम नहीं देखने को देने वाला। एंड ये स्मार्टफोन 12 ग्लोबल बैंड्स को भी सपोर्ट करता है। एंड खास बात है दोस्तों, यहाँ पर आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट मिलता है, तो यहाँ पर 1 माइक्रो SD कार्ड और 2 SIM लगा पाओगे। और दोस्तों दोनों सिम आप 5G SIM लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ड्यूल 5G SIM का सपोर्ट है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले की। तो यहाँ पर 6.78 इंच का FHD+ AMOLED स्क्रीन देखने को मिलेगा विद पंचल होल कैमरा। तो दोस्तों डिस्प्ले में यह स्मार्टफोन काफ़ी कमाल का होने वाला है, साथ ही में 120Hz का रिफ्रेश रेट एंड 60Hz का नॉर्मल मोड भी देखने को मिल जाएंगे, दो ऑप्शन। तो यहाँ पर 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर NAG ग्लास का यूज़ किया गया है। एंड इस स्मार्टफोन में आपको 500 nits की ब्राइटनेस लेवल भी देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं फ़ोन के कैमरा की। तो यहाँ पर आपको 50MP का प्राइमरी लेंस देखने को मिलेगा एंड इससे आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग 30fps पर कर पाओगे, प्लस 10x जूम लेंस भी देखने को मिल जाता है। एंड 2MP का माइक्रो और 2MP का डेप्थ सेंसर भी, दो सेंसर देखने को मिल जाएंगे। एंड इस कैमरे से आप लो लाइट में भी अच्छे फोटोज एंड वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। एंड फोन के बैक में आपको क्वाड LED लाइट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बाकी फ़ोन के सेल्फी कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको 16MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा विथ पंचल होल कैमरा। एंड इससे आप 180p पे वीडियो रिकॉर्डिंग 4K 30fps पर कर पाओगे। एंड इसमें आपको फ्रंट में भी ड्यूल LED लाइट्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर यह स्मार्टफोन कैमरे के मामले में काफ़ी कमाल का होने वाला है, प्लस 960fps पर स्लो मोशन मोड भी देखने को मिल जाता है, तो आसानी से आप रिकॉर्ड कर पाओगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर यह स्मार्टफोन एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, क्योंकि इस स्मार्टफोन में डिस्प्ले, कैमरा, डिज़ाइन काफ़ी कमाल के होने वाले हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के बैटरी की। तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की एक बिग बैटरी देखने को मिलेगी
एंड इस बैटरी को बहुत ही कम समय के अंदर जल्दी से जल्दी चार्ज करने के लिए यहाँ पर 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड स्मार्टफोन के बॉक्स में ही आपको 33 वॉट का एडाप्टर भी देखने को मिल जाएगा साथ ही में। एंड इस फोन का जो बैटरी बैकअप है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है, 1.5 से 2 दिन तक इस फोन का बैटरी बैकअप देखने को मिलने वाला है। प्लस इससे आप 30 मिनट में 50% तक इस फोन के बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के रैम को लेकर। तो यहाँ पर आपको 8GB का रैम, 128GB का स्टोरेज देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर आपको 5GB की वर्चुअल रैम भी देखने को मिल जाएगा ऑप्शन। तो दोस्तों कुल मिलाकर यहाँ पर 13GB का रैम देखने को मिलेगा एंड 128GB की इंटरनल स्टोरेज एंड इससे आप एक्सपेंड 256GB इंटरनल स्टोरेज तक कर सकते हैं। बाकी कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर 3.5mm ऑडियो जैक, फोन के नीचे की तरफ 1 माइक्रो माइक, इसके राइट साइड में ऊपर की तरफ प्लस और माइनस वॉल्यूम बटन और उसके नीचे आपको पावर बटन भी देखने को मिल जाएगा और उसी में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर यह स्मार्टफोन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर पे आता है। बात कर लेते हैं फोन के वेट की, तो यहाँ पर 199 ग्राम इसका वेट है। प्लस यहाँ पर आपको ब्लूटूथ 5.0 का भी सपोर्ट, OTG सपोर्ट, Wi-Fi 6 का भी सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है स्मार्टफोन में और ड्यूल 5G कनेक्शन का भी देखने को मिल जाएगा सपोर्ट। एंड स्मार्टफोन के अंदर आपको XOS 12 का भी लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल जाएगा जो कि एंड्रॉयड 12 पे बेस्ड है। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन बहुत ही कमाल का एंड लेटेस्ट होने वाला है। तो आप कोई ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो जो कि एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन हो तो आप इस स्मार्टफोन पर डेफिनेटली जा सकते हो। तो दोस्तों अब फाइनली बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के प्राइस एंड लॉन्च डेट को लेकर। प्राइस की बात करें इस स्मार्टफोन की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन की प्राइस 17,999 प्राइस होने वाली है इंडियन मार्केट में एंड इसकी फर्स्ट सेल 11 फेब को होने वाली है 12 PM पर और उस टाइम इस फोन की प्राइस 16,499 रुपीज़ होने वाली है। तो दोस्तों अगर आप इस स्मार्टफोन को लेना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के दे देना जवाब और इस स्मार्टफोन की आपको स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स आपको कैसे लगे। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ऐसे ही और भी न्यू स्मार्टफोन के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।